मास्क लगाकर, दो गज की दूरी बनाकर, टीवी का सुपर हिट शो लपेटे में नेताजी। प्रियंका जी ने राम जी के नाम पे इतना लंबा ट्वीट कर दिया, मतलब ये बात साबित हो गई कि उनकी नाक इंदिरा जी से मिलती है और ट्वीट उमा भारती से। अंतर सुशांत सिंह का बहुत चल रहा है, उसके 15 करोड़ कहाँ गए, उसके 15 करोड़ कहाँ गए, मैंने कहा हम क्या बताएं, हमें आज तक ये नहीं लगा पता कि हमारे 15 लाख कहाँ गए। एक तरफ ओवैसी जी बैठे थे, एक तरफ संबित पात्रा बैठे थे, दोनों की डिबेट हुई है। देखिए मैं कहना चाहता हूँ सरजमीन हिंदुस्तान पर कि हम कागज कभी नहीं दिखाएंगे। इधर पात्रा जी, कागज नहीं दिखाएंगे, ऐसे गर्दन मत करो भैया, टोपी गिर जाएगी तुम्हारी। बलिदानों की अमर कहानी साक्षी है सरयू का पानी, लो मोदी चले राम जी का मंदिर बनाने। लॉर्ड आई एम अनलॉक हो चुका है लेकिन पूरी तरह नहीं हुआ है, देख रहे हैं ना आप, तो ये सेटिंग देख रहे हैं और ये फ्रेम जैसे जैसे खुलेगा तो आप पहचान जाएंगे कि हम वही हैं, हम वही हैं जहां छोड़ के गए थे कोरोना से पहले। हाँ, लपेटे में नेताजी में, नेताजी क्या, पूरी दुनिया ही लपेटे में आ चुकी है अब तो, और जिसके लपेटे में आई है उससे निजात अभी बहुत जल्दी मिलने वाली नहीं है, लेकिन धीरे 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 जो कुछ कुछ अनलॉक हो रहा है उसमें ये ठहाकों का दौर भी आज से अनलॉक कर रहे हैं हम। मंच पर मौजूद वही पुराने चेहरे। मैं विनीत पांडे, बोकारो स्टील सिटी से। नमस्कार, मैं कवि सुदीप भोला, जबलपुर मध्य प्रदेश से। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश वेद, दिल्ली और नोएडा दोनों से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रताप फौजदार। धोखा खा गए ना, मेरा नाम है दीपक सैनी। नमस्कार, मैं कवि गौरव चौहान, इटावा उत्तर प्रदेश। अब देखिए, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है अपने आप को हर एक को, क्योंकि चेहरे पर ये मास्क आ गया है। लेकिन सुदीप जी, आज किसको लपेटे में लिया जाए? देखिए, 5 महीने के बाद हम यहाँ पर बैठे हैं और इस लॉकडाउन का परिणाम ये निकला कि हम 4 होते थे, आज 5 हो गए। तो हम अति उत्साह में हैं जी, आज तो बहुत खुश हैं, और राफेल आने के बाद खुश हुआ था और आज खुश हो गया मैं। सही बता, राफेल आए तो हम इतने ज़्यादा उत्साहित थे कि एक बार तो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने फ्रांस में एक दोस्त को फ़ोन किया कि बाकी के राफेल ले लो, नहीं तो हमारे पास राफेल हैं। अद्भुत काम है। तो आपका आदेश मिले तो मैं शुरू करता हूँ, राफेल से ही शुरू करता हूँ जी। ये 5 राफेल बैठे हुए हैं, एक एक करके सारे राफेल करतब दिखाएंगे। हुआ क्या जी सर, जब राफेल आए तो एक एक पायलट ने बड़ा जबरदस्त करतब दिखाया, बाकी सारे 4 तो सही चले थे, एक बहुत करतब दिखा रहा। मैं आश्चर्य में पड़ गया, मैंने कहा ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड पायलट लगता है मुझे। जब नीचे उतर के आए तो मैं मिलने गया, मैंने कहा सर आप तो कमाल हैं, सबसे बढ़िया पायलट आप हैं, कितनी लंबी ट्रेनिंग है आपकी, कितने साल का अनुभव है आपको ये वायुयान चलाने का। कहने लगे पहली बार चला रहा हूँ। मैं पहली बार चला रहे, इतने गजब के करतब इसके पहले क्या करते थे? कहने लगे कुछ नहीं, यूपी पुलिस में ड्राइवर था। अद्भुत काम हो गया। तो एक पैरोडी बनाई मैंने, और अनलॉक के बाद पहली बार पैरोडी सुना रहा हूँ लाइव आकर के स्टूडियो में, आनंद लीजिएगा, सुनिएगा। कि फ्रांस से क्यों राफेल मंगाएं, फ्रांस से क्यों राफेल मंगाएं, ये भोले का नुस्खा अपनाएं, जहां घुसपैठ चीन की होए वहां पर यूपी पुलिस लगाएं। फ्रांस से क्यों राफेल मंगाएं, ये भोले का नुस्खा अपनाएं, जहां घुसपैठ चीन की होए वहां पर यूपी पुलिस लगाएं, छोड़कर भाग जाएंगे चीनी अपना माल नकली, दे दो केवल लाठी जूती, लगवा दो गलवान में ड्यूटी, तोड़ दें दुश्मन की नली, बोल के जय बजरंग बली, तोड़ दें दुश्मन की नली, बोल के जय बजरंग बली, वो देखो यूपी पुलिस चली, बोल के जय बजरंग बली, के बित्ते भर के रखे हुए और करते हैं हंगामा,
निकर भी पहने तो लगता पहने हैं पैजामा, निकर भी पहने तो लगता पहने हैं पैजामा, बित्ते भर के रखे हुए और करते हैं हंगामा, और उस पे जिंग पिंग ने समझ लिया है खुद को बाहुबली। बहुत बड़ा बाहुबली है, और उस पे जिंग पिंग ने समझ लिया है खुद को बाहुबली। उसका भी मैटर सुलटा दो, ना माने मोटर पलटा दो, उसका भी मैटर सुलटा दो, ना माने मोटर पलटा दो, गली ढूंढेगा वो पतली, वो देखो यूपी पुलिस चली, बोल के जय बजरंग बली, वो देखो यूपी पुलिस चली। आज स्वतंत्रता दिवस में मैं हिंदुस्तान की तमाम पुलिस को सैल्यूट करता हूँ। पुलिस की बड़ी तारीफ की, उसको रखने का बड़ा फायदा है जी, उसमें तो खर्चा भी नहीं करना हमें, खाली मुंह से ठाए ठाए करनी है। बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है। और बहुत शानदार कविता पढ़ी, इतने दिनों के बाद मैं बधाई देता हूँ। आजकल तो पायलट की एक बात कर रहे थे कि वो पहली बार विमान चला रहा है, ये तो राजस्थान में चल रहा है पहली बार, उसने एक बार नहीं चला है। वो तो जहां को निकले थे वहीं लौट के आ गए। हाँ, अब देखिए कमाल ये हुआ, मतलब मैंने जिंदगी में ऐसी नई दिशा देने वाला आदमी नहीं देखा जी, जिसने अपने दो पड़े बड़े पद खोने के लिए 1.5 महीने मेहनत की। होटल में गए सब लोग, एक्सरसाइज कर रहे थे, वो दृश्य सबने देखे होंगे, सारे विधायक हाथ घुमा रहे थे। किशोर जी, जब 19 विधायकों के साथ सचिन पायलट गए थे, तो तब अशोक गहलोत जी कंफ्यूज हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो पहले COVID-19 को देखें कि Govind-19 को। ये मामले हुए ऐसे ऐसे। राफेल की बात कर रहे थे, जब कभी दो देशों के हथियारों की बात होती है, टकराव होता है, तो उनकी तुलना होती है आपस में। ऐसा हमारी पाकिस्तान के साथ पहले होती रही है कि पाकिस्तान के पास इतने लड़ाकू विमान, हमारे पास इतने लड़ाकू विमान, पाकिस्तान के पास इतने टैंक, हमारे पास इतने टैंक, पाकिस्तान के पास इतना सैनिक, हमारे पास इतने सैनिक, उसका इतना रक्षा बजट, हमारा इतना रक्षा बजट। मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा कि पाकिस्तान का कुल जितना रक्षा बजट है ना, उतना तो हम शादी ब्याह में नागिन डांस में खर्च कर देते हैं। आजकल बहुत टेंशन चल रही है सर, उसके कोरोना की वजह से, और हमारा तो आज अनलॉक हुआ है, 5 महीने बाद किसी प्रोग्राम में आए हैं, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ICU से निकल के सीधा मुगल गार्डन में आ गए हैं। लॉकडाउन में सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ घर में पड़े पड़े कि हमें सबको ये पता लग गया हमारे घर में बनियान कितने हैं। लेकिन कुछ क्योंकि इसमें इतने सारे इंग्लिश के वर्ड्स प्रयोग हुए, क्वारंटीन, आइसोलेशन, सैनिटाइजर, बहुत दिक्कत हुई सर। मेरे घर में एक बेचारा अनपढ़ आदमी रोज़ बेल बजाता है, मैंने कहा अभी क्या चाहिए, कहता सर सैनिटाइजर चाहिए, मैंने कहा मेरे पास नहीं, अगले दिन फिर आ गया, कहता सर सैनिटाइजर चाहिए, मैंने कहा मेरे पास नहीं है, अगले दिन फिर आ गया, बोला सर सैनिटाइजर चाहिए, मैंने कहा मैं कहाँ से लेके आऊँ, बोला आप सैनी हो। और चाइना को सर सब निपटाने की बात कर रहे हैं, चाइना ने ये कर दिया वो कर दिया, कभी अपने हिसाब से निपटा रहे हैं, पार्टियां अपने हिसाब से निपटा रही हैं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने हिसाब से निपटा रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि कुछ सब्जियां भी हैं जो चाइना से बदला लेना चाह रही हैं। सब्जियां क्योंकि उनके अंदर भी देशभक्ति जागी, तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी वेद जी, पल में बिगाड़ दूंगा पड़ोसी के सीन को, पल में बिगाड़ दूंगा पड़ोसी के सीन को, झटके 1000 दूंगा उस बुद्धिहीन को, मैं बदला लूंगा चाइना से कद्दू यूं बोला, मैं मार दूंगा मोमोज और चाउमीन को। क्या बात है, क्या देशभक्ति है भाई। चाइना ने टेंशन मचा रखी है अभी, चाइना तो चाइना, नेपाल भी हमसे पंगे ले रहा है सर। अजय, मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा यार उस पूरी बेल्ट में चाइना हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, हांगकांग हो, सबके लोग एक जैसा दिखाई देते हैं, अगर हमारी लड़ाई होगी तो पता कैसे लगेगा कि चाइना का कौन सा है। मैंने कहा सिंपल है, जिसके पास सस्ता मोबाइल है वो चाइना का। सिंपल सी बात है। अच्छा, मैं सर नवंबर में चाइना गया था, तो मैंने देखा कि वहां के लोग बड़े अजीबोगरीब, उनको इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, उनको कुछ पता नहीं है, हिंदी में तो खाली भाइयों बहनों और मित्रों समझते हैं वो, बाकी और कुछ नहीं समझते।
इंग्लिश तो उनको इंग्लिश तो आती नहीं, तो हम कभी कुछ मांगते थे तो बड़ी दिक्कत हो जाती थी पूरे प्रोग्राम में। मैंने कहा यार ये बड़ा अजीब देश है, एक्सप्रेशन भी नहीं समझते। हमारे यहाँ तो आदमी शक्ल देख के अनपढ़ भी बता देता है कि बीड़ी मांगने आ रहा है। दीपक सैनी शुरू में प्रताप फौजदार बन रहे थे। अरे प्रताप जी हैं, धुआं कैसा हो रहा था जब सिगड़ी नहीं है, और तू सरदार कैसे हो सकता है जब सर पे पगड़ी नहीं है। अगर प्रताप फौजदार यहाँ होते तो इस बात पे पता क्या बोलते, तेरी बात इतनी तगड़ी नहीं है। माना स्थितियां थोड़ी बदल गई हैं, मास्क लगे हैं चेहरे पर, लेकिन इसको भी आप थोड़ा सा, जब इतना सारा पॉजिटिव हो रहा है तो इस दृश्य को भी पॉजिटिविटी ले, पॉजिटिवली लें। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि हम कविता में, पांच कवियों को देखिए किशोर जी, कि हम कविता में अंगद जैसा पांव जमाकर टिकते हैं, आगे जाकर सच हो जाए बस वैसा ही लिखते हैं। और कोरोना में राम लला का मंदिर पूजन शिला हुआ, मास्क लगाकर सारे कवि बजरंगबली से दिखते हैं, मास्क लगाकर सारे कवि बजरंगबली से। लेकिन कि तुमने बदले थे ताले अगर चाबियां भी बदल देते, बदले केबल कनेक्शन तो क्या टीवियां भी बदल देते। और आज कोरोना में हर पति रोते रोते यही कह रहा, नोट बदले थे तब जिस तरह बीवियां भी बदल देते। किशोर जी, बीते दिनों जो भी घटनाक्रम हुए उनको जोड़ करके एक कविता है, वो गा के आपको सुनाता हूँ। तुमको देते कथा सुनाए, सुन लो ध्यान लगाए, तुमको देते कथा सुनाए, सुन लो ध्यान लगाए, सुन लो ध्यान लगाए, पैसे वापिस मजा न आए, तुमको देते कथा सुनाए, सुन लो ध्यान लगाए। और क्या मामला है साहब, कि राजस्थान में अंत अंत तक कमल तो खिल ना पाया, राजस्थान में अंत अंत तक कमल तो खिल ना पाया, इस आपदा में अवसर ढूंढा लेकिन मिल ना पाया, इस आपदा में अवसर ढूंढा लेकिन मिल ना पाया, कांग्रेस ने एमपी में पर झटका बड़ा है खाया, सिंधिया बीजेपी में आए कुर्सी राज्यसभा में पाए, सिंधिया बीजेपी में आए कुर्सी राज्यसभा में पाए, तुमको देते कथा सुनाए, सुन लो ध्यान लगाए। और एक सबसे महत्वपूर्ण घटना जो पिछले दिनों हुई, एक सर्किल बना, वो सर्किल क्या बना, महाकाल से एमपी पुलिस ने पकड़ा एक गुंडे को, महाकाल से एमपी पुलिस ने पकड़ा एक गुंडे को, एमपी पुलिस ने यूपी पुलिस को सौंप दिया तुम देखो, यूपी पुलिस ने महाकाल तक फिर भेजा दुबे को, यूपी पुलिस से जो टकराए उसका काम फिनिश हो जाए, यूपी पुलिस से जो टकराए उसका काम फिनिश हो जाए। और क्या घटना एक महत्वपूर्ण हुई, चिंदी आंखें वालों की पहले तो गर्दन तोड़ी, ऐप किए फिर बैन की ऐसे ही छोड़ेंगे थोड़ी, सैनिक या सामान हो गारंटी में है दो कौड़ी, जब ड्रैगन की पूंछ दबाए चीनी चींची कर चिल्लाए, जब ड्रैगन की पूंछ दबाए चीनी चींची कर चिल्लाए। और एक सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हुई, इसी बीच में फ्रांस से उड़ के आ पहुंचा राफेल, इसी बीच में फ्रांस से उड़ के आ पहुंचा राफेल, बीजिंग में चिंगपिंग को टेंशन बदल गया अब खेल, डर के मारे पाकिस्तान का निकला पूरा तेल, के पाकिस्तानी सब चिल्लाए पापा प्लेन खरीद के लाए, पाकिस्तानी सब चिल्लाए पापा प्लेन खरीद के लाए, तुमको देते कथा सुनाए, सुन लो ध्यान लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल है दीपक सैनी, विनीत पांडे जी ने बहुत बढ़िया प्रयोग किए, पापा प्लेन खरीद के लाए, इस बात पे तालियां बनती हैं। बहुत अच्छे, बहुत सारी चीज़ें हुई। इन्होंने एक जिक्र किया, मैं उस जिक्र को आपदा को अवसर बनाना,
मैं उसका एक व्यंग सुनाता हूँ छोटा सा, कि घरवाले क्वारंटीन क्या हुए, वेद जी सुनिएगा, कि घरवाले क्वारंटीन क्या हुए, सोई हुई किस्मत जाग गई, छम्मो की लड़की कल्लू के लड़के के साथ भाग गई। घरवाले क्वारंटीन क्या हुए, सोई हुई किस्मत जाग गई, छम्मो की लड़की कल्लू के लड़के के साथ भाग गई। जाते जाते घर वालों को दिया व्हाट्सएप संदेश, जिसमें लिखा था हम मोदी जी के सपनों को पूरा करने जा रहे हैं, आपदा को अवसर बना रहे हैं। हम मोदी जी के सपनों को पूरा करने जा रहे हैं, आपदा को अवसर बना रहे हैं। घर वालों ने संदेश के जवाब में लिखा शुक्रिया, और मोदी जी का एक संदेश उन्हें भी फॉरवर्ड किया, जिस पर लिखा था जिम्मेदार नागरिक का फर्ज कृपया निभाए रखना, कृपया जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाए रखना, चाहे कुछ भी हो जाए दो गज की दूरी बनाए रखना। आपदा को अवसर बनाने का कमाल हो रखा है। वो इतना सा वो ओली, वो आपदा को अवसर बना रहे हैं भैया, नक्शा बना दिया उनने। कमाल की गोली, वाह भाई मिस्टर ओली। सुनिएगा, मुझे तो शक है कहीं वो शोले फिल्म देख के ना कहें कि शूरमा नेपाली हमारा था। हाँ कुछ भी कर सकते, वो चाइनीज आदमी है, कुछ भी कर सकते। मैंने एक पैरोडी लिखी इसके लिए, सुन ना आनंद आएगा, मुझे लिखने में मजा आया। स्वागत है, स्वागत है भैया। हाँ ओली के पीछे क्या है, ओली के पीछे, ओली के पीछे क्या है, ओली के पीछे, ओली के पीछे क्या है, ओली के पीछे, हाँ ओली ने भर के झोली, ओली ने भर के झोली, पीछे से कुंडी खोली, और चाबी थमा दी चीनी, यार को यार को। अरे चिक 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 चिक, इतनी चिक चिक कर रखी है। हाँ ओली के पीछे क्या, सुनना, कि माओ का चेला है ये, माओ का चेला, जिंगपिंग का खेला है ये, जिंगपिंग का खेला, हाँ कहना दे कल काठमांडू, कहना दे कल काठमांडू, नेपाली बाम है झंडू, कल कहना दे काठमांडू, नेपाली बाम है झंडू, भूले हैं रिश्ते नाते, प्यार को प्यार को। ओली के पीछे क्या है, ओली के पीछे, आखिरी देखना, के ओली के नक्शे देखो, ओली के नक्शे, बड़े नक्शे हैं आजकल, ओली के नक्शे देखो, ओली के नक्शे, बोली ओली की दिल पे लगती है ठक से, हाँ रोटी बेटी का नाता, काहे तुझको नहीं भाता, रोटी बेटी का नाता, काहे तुझको नहीं भाता, ये ना बताता चौकीदार को, चीन का बड़ा जिक्र हो रहा है, और हमने तो जब चीन के साथ तनाव हुआ तभी सामान का बहिष्कार शुरू कर दिया। हरियाणा सरकार ने चीनी कंपनी को दिए हुए 2 ठेके रद्द कर दिए, सारी जनता अड़ गई, बोले हम एक एक चीनी सामान को तोड़ देंगे पर प्लीज ठेके रद्द मत करो। और मैं तो बड़े फ्री में काम चलाने वाला आदमी हूँ, मेरे पास कोई चीनी सामान था भी नहीं जिसका बहिष्कार करता, तो मैंने YouTube पर चांदनी चौक टू चाइना देखी, और उसका भी खाली लोकल लोकल हिस्सा देखा। अच्छा। चीनी का बहिष्कार तो बहिष्कार। एक तो इसका लोकल का वोकल हो गया और अपना काम हो गया। और अभी कह रहे थे सैनिटाइज, मैं सैनी हूँ इसलिए सैनिटाइजर की बात हो रही थी। दीपक पता होगा जब शुरू में कोरोना आया था तो लोगों ने नाम रख दिए थे बच्चों के, कोविड, कोरोना, सैनिटाइजर, ये तक नहीं सोचा जब बच्चे बड़े होंगे तो लोग इससे हाथ धोते हुए चलेंगे। कुछ सैनिटाइजर के मामले में लॉकडाउन में बड़ी पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने सेवाएं की, तो उन्होंने, मैं 2 पंक्तियां सुनाता हूँ उस पर,
उन्होंने मुफ्त में सैनिटाइजर बंटवाए इस मामले में। कुछ जगहों पर बांटे जाने वाले सैनिटाइजर पर नेताओं के चित्र वाले रैपर चिपकाए गए, आधे पैसे बेकार ही बहाए गए। एक आदमी ने दो मांगे कि लेने वाले के हिस्से में कितना आएगा, आधा सैनिटाइजर तो रैपर साफ करने में ही निकल जाएगा। और मोदी जी का बड़ा विरोध होता है, मैं एक बात करता हूँ, विरोध करो पर तार्किक करो। हाँ। विरोध ही करना है, बिना मतलब इतना भी विरोध मत दिखाओ। हर बार थाली बजाने से मोदी समर्थक नहीं हो जाओगे, कम से कम अपने खेतों की टिड्डियां तो बढ़ाओ। मेरी बात हुई सर हमारे इस शो के जान प्रताप फौजदार जी से, वो बहुत परेशान थे पिछले दिनों। मैंने भाई साहब क्या हो गया, जहां भी देखो वो सारी मीठी मीठी चीजें खरीद रहे थे। मैंने भाई साहब क्यों, तेरे को नहीं पता है मैं सारी मीठी चीजें आज ही खरीद करके लाऊंगा। मैंने कहा क्यों खरीदोगे भाई साहब, तैने नहीं सुनी कि चीनी सामान बंद हो रहा है। शुक्रिया, ऐसा मत बोले। हाँ बोल बोल, नहीं प्रताप जी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। प्रताप जी की आज उनकी कमी महसूस नहीं। चीनी सामान की जो सबसे बड़ी मार्केट है वो पता है कहाँ है, नेहरू पैलेस में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बारीक है भाई। बहुत सारी टेंशन हुई सर, और भी बॉलीवुड में आपको पता ही आजकल क्या है, तो मैंने दो पंक्तियां लिखी वेद जी, आखिरी में एक शब्द आएगा, उस शब्द का मैंने प्रयोग देखे कैसे किया है। बड़े बड़े सितारों ने मुंह क्यों सिया है, बड़े बड़े सितारों ने मुंह क्यों सिया है, आखिर बॉलीवुड में ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। राफेल आ गया, एक तो सर राफेल जब से आया मुझे बहुत टेंशन थी, राफेल अब राफेल राफेल लोग बोलने लग गए, वरना चार साल से इसका असली नाम ही किसी को नहीं पता। राहुल गांधी पे अलग अलग नाम देते थे, राफेल बोल देते थे कभी, कभी राफेल बोल देते थे, कभी रफाल बोल देते थे, उसका असली नाम ही समझ में नहीं आ रहा था कि इसका असली नाम है क्या। अब राजनाथ सिंह जी गए वहां पे, उन्होंने फ्रांस में जाकर टीका वीका लगाया राफेल को, तो पूरे देश में उनका बहुत डंका पिटा। अब राजनाथ सिंह जी से मेरी बात हुई, मैंने कहा सर आपने टीका लगाया और राफेल के बारे में राहुल गांधी, तो राजनाथ सिंह जी का जवाब आपको अच्छा लगता है बताऊं। राजनाथ सिंह जी ने कहा मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक प्रश्न राफेल का है तो है राफेल का, जहां तक प्रश्न है राफेल तो पहले से ही देश के अंदर मौजूद है। मैंने कहा जी राफेल देश में पहले कहां था, कांग्रेस में रा से राहुल फेल तो वह है ही। कोरोना की बात हुई, टेंशन सर कोरोना में, पहले दिल्ली में एक समय था दिल्ली कोरोना में टॉप पे जा रही थी, अचानक दिल्ली में कोरोना में कमी आई, तो मेरा मुख्यमंत्री जी का इंटरव्यू लिया रात को सपने में, केजरीवाल जी का। मैंने कहा भाई साहब ये सब कैसे हो गया, अचानक से कोरोना की गति काफ़ी बढ़ गई थी दिल्ली के अंदर, लेकिन जैसे ही अमित शाह जी आए तो काफ़ी डरा हुआ था। मैंने कहा कौन, कोरोना? नहीं मैं। और जैसे ही वो उतरे काम पे लग गया। मैंने कहा कौन, सिस्टम? नहीं मैं। ये छोटी छोटी सी, बहुत अच्छी बहुत अच्छी। ये तो चार फुटिया चीनी है और ये हमारे छह छह फुट के जवानों से कैसे लड़ेंगे, और जो करके दिखाए थे गलवान में। सुनिएगा किशोर जी, हमारे देश का सैनिक चाइना से कहता है कि हथियारों की दरकार नहीं, अब लाठी ही चटका देंगे। हथियारों की दरकार नहीं, अब लाठी ही चटका देंगे। ड्रैगन के मुंह को फाड़, गले में गन्ने को अटका देंगे, और बस पटक पटक के मारेंगे, गर्दन कूल्हा चटका देंगे। बस पटक पटक के मारेंगे, गर्दन कूल्हा चटका देंगे, और चमगादड़ खाने वालों को चमगादड़ सा लटका देंगे। चमगादड़ खाने वालों को ए पाक तेरे जब तलक ये पाप रहेंगे। तालियां आप सभी लोग इतना जोर से बजाएं कि हमारे देश के सैनिकों का जोश बढ़े। ए पाक तेरे जब तलक ये पाप रहेंगे, कानों पे तेरे हिंद के कंटाप रहेंगे, कानों पे तेरे हिंद के कंटाप रहेंगे, और रगड़ा है कितनी बार तुझे, मान जा बेटा हम बाप थे, हम बाप हैं, हम बाप रहेंगे, हम बाप थे, हम बाप थे, हम बाप। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। मैंने एक सूची बनाई है कि हमें अभी और किन किन चीजों से आजादी चाहिए। सुनिएगा, सन 47 में देश आजाद हुआ,
दुआ है तरक्की दिन रात हो, पर इन चीजों से और आजादी मिल जाए तो क्या ही बात हो। किन किन चीजों से? जी जी, चमचों की आसक्ति से। अच्छा है, अच्छा है। भक्त जनों की भक्ति से। हाँ, चमचों की आसक्ति से, भक्तजनों की भक्ति से, राजनीति गंदी से, विधायकों की मंडी से, जबरदस्ती के लोन से, और इस अनलॉक वाले मोबाइल टोन से आजादी मिल जाए तो क्या ही बात हो। आजादी मिल जाए तो क्या ही बात हो। और किन किन चीजों से आजादी चाहिए? सही बात कही इन्होंने कि कभी कभी क्या होता है, 2 सेकंड की बात करनी होती है, हाँ ना, लेकिन उसके पहले वो इतना लंबा सुनना पड़ता है। और किन किन चीजों से आजादी चाहिए जी? सुनना, चाइनीज सामान से, नेताओं के बेतुके बयान से, आतंकी पिद्दियों से, पाकिस्तानी टिड्डियों से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पेट्रोल डीजल के आसमानी रेट से। और अगली चीज जिससे आजादी चाहिए, अगर आप लोग समर्थन करें तो बहुत अच्छा लगेगा, कि पेट्रोल डीजल के आसमानी रेट से और ये हिंदू मुस्लिम वाले चैनलों के डिबेट से आजादी मिल जाए तो क्या ही बात हो। आजादी मिल जाए तो क्या ही बात हो। और किन किन चीजों से आजादी चाहिए भाई? बहुत अच्छा लिखा सच में। अफवाह उड़ाने वाले खच्चरों से, काट के भाग जाने वाले मच्छरों से, फ्री सैनिटाइजर घिसने वाले बंदों से, मुफ्त राय देने वाले राय चंदों से, ठगने वाली स्माइल से, और लड़कियों की फेक प्रोफाइल से अगर आजादी मिल जाए तो क्या ही बात हो। और अंतिम सुनिएगा, किन किन चीजों से आजादी चाहिए भाई? किडनी निकालने वाले चोरों से, ब्लैकिए जमाखोरों से, झूठे चुनावी वादों से, टोटल फर्जी उस्तादों से, बेईमान नक्कारों से, और अंतिम डिमांड पे हाथ खुले आपके, बेईमान नक्कारों से और देश के गद्दारों से आजादी मिल जाए तो क्या ही बात हो। आजादी मिल जाए तो क्या ही बात हो। तुमने विनीत कि अगर ये आप ना फेसबुक पे लाइव सुनाते तो मेरा कमेंट सिर्फ एक होता, विनोद। राम मंदिर के विषय में लोगों की अपनी राय हो सकती है, मेरी राय यह है कि एक बहुत बड़ी देश का की एक इच्छा भी पूरी हुई है और एक बहुत बड़ा मुद्दा भी खत्म हुआ, जिसके नाम पे सालों साल ये देश में मनमुटाव होते रहे हैं। मैं कविता सुनाता हूँ मोदी जी की उपलब्धियों में, सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक मैं ये मानता हूँ। एक कविता सुनाता हूँ, सुनिए। के लो मोदी चले राम जी का मंदिर बनाने। मैं नमन करता हूँ स्वर्गीय रविंद्र जैन साहब को, उनकी धुन पर एक गीत सुनाता हूँ। के लो मोदी चले राम जी का मंदिर बनाने, अवध की रज को माथे से लगाने, धर्म ध्वजा राम जी के धाम फहराने। लो मोदी चले राम जी का मंदिर बनाने। सुनिएगा, के राम शिला फूली ना समाई, रामशिला फूली ना समाई, तुलसी की गूंजी चौपाई। और क्या चौपाई है? तुलसी की गूंजी चौपाई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उठाई थी सौगंध जिसे आ गए निभाने। लो मोदी चले राम जी का मंदिर बनाने, अवध की रज को माथे से लगाने, धर्म ध्वजा राम जी के धाम फहराने। और सुनिएगा, के वनवासी पहुंचे राजधानी, हठ योगी करते अगवानी, बलिदानों की अमर कहानी,
साक्षी है सरयू का पानी, निशानी कार सेवकों की गारे में मिला। लो मोदी चले राम जी का मंदिर बनाने, अवध की रज को माथे से लगाने, धर्म ध्वजा राम जी के धाम। अंत सुनिएगा, अंत सुनिएगा, कौन आया कौन नहीं आया इस पे काफी विवाद हुए, विवाद का विषय नहीं है कि तन मन धन जीवन का क्षण क्षण राम से पाया राम को अर्पण कर जो गए सर्वस्व समर्पण, शेष है हम पर उन सब कारण, चलो रे दिया एक उनके नाम का जला। लो मोदी चले राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कविता सुनाता हूँ, कोरोना का लॉकडाउन का समय चल रहा है और उसकी सबसे ज्यादा आपदा कलाकारों पे कवियों पे आई है, तो लॉकडाउन के बाद कवियों का हाल क्या होगा ये कविता मैं सुनाता हूँ, देखिएगा। मेरे सपने में आया कि ऐसा भी हो सकता है लॉकडाउन के बाद कवियों का हाल। कल मेरा टेलीफोन बजा, मैंने जैसे ही रिसीवर उठाया उसमें से एक बाला का मधुर स्वर आया। उसने पूछा दीपक सैनी बोल रहे हैं? मैंने पूछा कौन? बोली फौरन लीजिए लोन, अब पैसों के लिए मत निर्भर रहो किसी भी रिश्तों पर, लोन लीजिए आसान किस्तों पर। मैंने कहा इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोली बस एक फॉर्म भरना होगा, घर के कागज रखवा देना या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना। घर के कागज रखवा देना या किसी पढ़े लिखे कवि का अंगूठा लगवा देना। मैंने कहा यह सब हो जाएगा पर लोन कितने का पास हो पाएगा? बोली सर वैसे तो हमारा बैंक कवियों को 500 रुपए तक लोन देता है, पर कोई टीवी पर आता हो तो 700 भी ले सकता है। मैंने कहा जी मैं टीवी पर आता हूँ, अनेक कार्यक्रमों में जाता हूँ, मेरा 700 रुपए का लोन पास करा दो। बोली गारंटी किसकी? मैंने कहा सुदीप भोला जी की। बोली सर इनकी तो खुद ही राह भटकी पड़ी है, 300 रुपए लिए थे, 50-50 की 3 किस्त अटकी पड़ी। मैंने पूछा वेद जी की चलेगी? बोली सर हमारा बैंक कितना रिस्क नहीं ले सकता, वेद जी ने भोला की दी हुई है। एक आदमी दो की गारंटी नहीं दे सकता। मैंने पूछा लोन नहीं देना था तो फोन क्यों करती है? बोली सारे कवि डिफॉल्टर हो तो उसमें मेरी क्या गलती है। बस कवियों को डिफॉल्टर सुनते ही रिसीवर मेरे हाथ से छूट गया, मैं नींद से जागा सपना टूट गया और बिस्तर पे आंखें मलता हुआ सोचने लगा कि लोगों की दृष्टि कविता और कवि से हटने लगी है, बेहूदे व गंदे कार्यक्रमों पर ज्यादा डटने लगी है। तभी आत्मा से आवाज आई, यदि ये फुहड़ कार्यक्रमों का दौर ऐसे ही चलता जाएगा तो अच्छे कवि को 500 रुपए लोन मिलना तो दूर, लोन के लिए फोन भी नहीं आएगा। लेकिन अगले ही पल मैंने विचार किया कि जब जब कोई फुहड़ कार्यक्रम हमारी संस्कृति पर अपने बाण चलाएगा तो लपेटे में नेताजी जैसा कार्यक्रम हर बार संजीवनी बनकर। परोड़ी सुनिए, मेरे देश का नेता ये कोरस करना होता है साथ में। ओ मेरे देश का नेता वादे करता बाद में ठेंगा देता, मेरे देश का नेता, ओ मेरे देश का नेता, आजादी से लेकर अब तक झूठा वादा है दावा है, है कृपा बेचने के धंधे हर नेता निर्मल बाबा है, है कृपा बेचने के धंधे हर नेता निर्मल बाबा है, जनता को बस चटनी देकर पूरी रोटी खा जाते हैं। और ये पंक्तियां सुनना, जनता को बस चटनी देकर पूरी रोटी खा जाते हैं, और नेता जब गंगा जाते हैं तो घाट सभी घबराते हैं, मेरे देश का नेता, ओ मेरे देश का नेता, घोटालों में रहता विश्व विजेता, मेरे देश का नेता, मेरे देश का नेता। और देखिए क्या हुआ आजादी के बाद तक अब तक सियासत में, कि साइकिल हाथी पंजा झाड़ू खिलते हैं कमल के फूल यहाँ, गांधी सुभाष को भूल गए बस बकते उल जुलूल यहाँ, आजादी रोती रोज यहाँ नेताओं की बस मौज यहाँ, भारत माता बस ढोती है, भारत माता बस ढोती है, भ्रष्टाचारों का बोझ यहाँ, मेरे देश का नेता, भाई बहुत अच्छे, वाह, ओ, 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 ओ,
ओ मेरे देश का नेता बना हुआ है खुद का ही विक्रेता, मेरे देश का नेता, ओ मेरे देश का नेता। भीड़ में गलती से छींक दो तो लोग गुस्से से ताकने लगते हैं और उंगलियों को अल्कोहल की लत अलग पड़ गई। एक दिन सैनिटाइजर न लगाऊं तो हाथ कांपने लगते हैं। बहुत अच्छे, देखिए मैं समझता हूं कि ये बहुत ही बड़ा काम हुआ है। मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है, लेकिन एक काम और होना चाहिए। मैंने कहा जी पीओके वाला, नहीं नहीं एक काम बड़ा ज़रूरी है। मैंने कहा जी वो चाइना डोकलाम वाला, नहीं नहीं मेरा मतलब राष्ट्रपति का चुनाव जल्दी करा दें थोड़ा। बहुत शानदार आपने सुनाई। इसके बाद हास्य की बात करना तो बड़ा मुश्किल काम है। मीडिया का जिक्र हुआ उधर, आजकल सुशांत सिंह का बहुत चल रहा है, उसके 15 करोड़ कहाँ गए, उसके 15 करोड़ कहाँ गए। मैंने कहा हम क्या बताएं, हमें आज तक ये नहीं लगा पता कि हमारे 15 लाख कहाँ गए। और आप भी, मीडिया भी मतलब कम नहीं है जी, एक ही कसर रह रही है बस कि दर्शकों को ये अपील ना कर दे देखने वालों से, खबरदार अगर उठ कर गए तो हम 5 मिनट में बस चीन को मिटाने ही वाले हैं। मैं भी, आज़ादी का पर्व है तो हर आदमी चाहता है कि उसके देश से बुराइयां दूर हों। हाँ। मैं भी चाहता हूं, तो मेरी उसमें एक इच्छा है कि मेरे देश में जो नकली लोग हैं ना, जैसे बराबर में हमारे इनसे मुक्ति मिल जाए। हालत ये है आजकल कि एक आदमी डॉक्टर के पास नकली दांत लगवाने गया, डॉक्टर ने वो भी नकली लगा दी। उम्र के हिसाब से पहले मुक्ति तो आपको मिली। हाँ वही तो। और एक डॉक्टर तो और कमाल, उसके पास एक आदमी पहुंच गया, डॉक्टर साहब क्या है ये 15 दिन से मैं 100 रुपये रोज की दवाई खा रहा हूँ कोई फायदा नहीं हो रहा। उसने कहा ये लो 80 की है, 20 का फायदा होगा। तो मैं ऐसे नकलीपन से मुक्ति चाहने के लिए, ऐसे नकलीपन से मुक्ति चाहता हूँ मैं इस आज़ादी के पर्व पर। और उस पर एक छोटी सी कविता सुनाना चाहता हूँ, मिलावट की खिलावट। मैं बताऊँ, मैं तो जा रहा था एक जगह, मुझे रोक लिया पुलिस कैश पोस्ट पर। हाँ मैं चेक पोस्ट इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो चेक नहीं लेते। रोक कर मेरा नाम पूछा, मैंने बता दिया वेद प्रकाश, कागज पूछे, मेरे पास कागज भूल गया था, मैं घर पे थे, मैंने कहा कागज तो मैं घर पे रह गए भूल गया हूँ। तो बोले एक काम करो फिर, टीवी डिबेट तो देखते हो कि, मैंने कहा हाँ देखता हूँ। कहने लगे फिर एक बार संबित पात्रा को फ़ोन कर लो, जो कागज कहीं नहीं मिलते उनके पास मिल जाते हैं। तो नाम पूछा वेद प्रकाश, मैंने बता दिया, उन्हें लगा नाम सुन के ये कोई बाबा वगैरह होगा। हाँ। क्योंकि बाबा उन दिनों पकड़े ऐसे ही जा रहे थे जैसे घी के टीन और कनस्तर। तो वहां से मुझे इस कविता की जमीन मिली। हुआ क्या, हमारे संस्कारों का पतन इस कदर हुआ कि जो आश्रम हमारे ऋषियों मुनियों के समझे जाते थे, अंदर झांक कर देखा तो ऋषि और मुनियों के निकले। तब ये कविता कहना चाहता हूँ, देश के विकास के लिए नई पीढ़ी को नई राह दिखानी थी, वेस्ट से बेस्ट यानी फेंकने वाली चीज़ें काम में लानी थी, पर लालच के अंधेपन में हम सब सपनों को कुतर आए, कचरे से बिजली बनाने चले थे और लीड से धनिया बनाने पर उतर आए। क्या बात है, लीड से धनिया बनाने पर उतर आए, देखकर विकास की ऐसी गाथा, मैंने पकड़ लिया माथा कि क्या करें इन गद्दारों का, जितना डर नहीं था महावीर के जमाने में हत्यारों का, जितना डर नहीं था बुद्ध के जमाने में चोरों का, जितना डर नहीं था गांधी के जमाने में गोरों का, उससे ज्यादा डर हो गया है आज मिलावटखोरों का। गोंद है चिपकता नहीं है, गोंद है
चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है। हाय हाय, मैं तो बताऊँ, मेरा एक दोस्त बहुत परेशान था, मुझे मिला, मैंने कहा क्या बात है भाई, बोले कुछ नहीं भाई साहब, कीड़े मारने की दवाई लेकर आया था, उसमें भी कीड़े पड़ गए। मैंने तो किसी की दो पंक्तियां सुनी पिछले दिनों, मेरी खुदकुशी के चर्चे थे शहर में, सुबह उठे तो पता लगा मिलावट थी जहर में। और किसी और की छोड़ो गौरव, मैंने तो खुद अपनी दो पंक्तियां किसी और के मुंह से सुनी। ये सबसे बड़ी मिलावट है। एक कवि सम्मेलन का औचक निरीक्षण कर लिया, वहां सुनी वीर रस और हास्य रस की मिली जुली पंक्तियां। हाँ हाँ। अच्छा, वीर रस से पहले दो पंक्तियां और सुन लो, आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे। हाँ। उसमें मैं सुना देता हूँ, बड़ी लंबी कविता की जरूरत नहीं है। हाँ। मैंने तो दो ही पंक्तियां लिखी। हाँ। अब की बार मामला सारा आर पार कर देंगे। हाँ। लाहौर कराची तक दिल्ली NCR कर देंगे। हाँ, लंबे झंझट की जरूरत नहीं है। और अभी जन्माष्टमी गई है, ये पंक्तियां आपको सुनकर याद आएंगी, व्रत का दिन था तब। हाँ। जो मेरी पंक्तियां मैंने दूसरे के मुंह से सुनी जी। जो ना घबराए कभी बंदूक तलवार या कराटे से, ऐसे वीर मर गए केवल कूटू के आटे से। ये स्थितियां हुई तब लिखना पड़ा। हाँ। गोंद है चिपकता नहीं है, घी है पिघलता नहीं है, तेल है चिकनाई नहीं है, बाजार में असली दवाई नहीं है, चीनी है मिठास नहीं है, इमली है खटास नहीं है, फल है स्वाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, कविता है पर आप लोगों की दाद नहीं है, फसल में असली खाद नहीं है, चावल में सौंधी भाप नहीं है, ये मिलावट खोर पिता तो है पर लगता है अपने बच्चों के असली बाप नहीं है। और माताओं के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती। माँ परेशान है कि अब मिर्च से नजर नहीं उतरती है, दुल्हन पर हल्दी भी असर नहीं करती है, उबटन से उबकाई आती है और मिलावट की हद है, हवन में भी पांच फल नहीं उनकी पुरानी फोटो रखवाई जाती है। और कविता की पंक्तियां सुनना अंतिम, इस मिलावट के हमने ऐसे ऐसे चमत्कार भुगते हैं, काली मिर्च बो तो पपीते उगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देश में एक और चल रहा है, देश की जीडीपी गिर गई, जीडीपी गिर गई, जीडीपी गिर गई, उधर कश्मीर से आवाज आई, तुम्हें जीडीपी के पर ये मेरी पीडीपी चली गई। मैंने दो पंक्तियां लिखी, एक फिल्म का डायलॉग था, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो, लेकिन उसमें हिंसा है। मैंने हिंसात्मक पंक्तियां लिखी हैं, हंसी हंसी मजाक मजाक में, आपको लगेगा इससे बढ़िया कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता, देखना। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे मांगते रहो। हमने हमने कौन सा देना है। लेकिन और भी बात चली किशोर जी, मुझे लगता है देश में एक अकेली नेता प्रियंका जी ऐसी हैं जो बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी हैं, वो दोनों में हैं। देखिए, जैसे राम मंदिर बना, राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, तो प्रियंका जी ने राम जी के नाम पर इतना लंबा ट्वीट कर दिया, मतलब ये बात साबित हो गई कि उनकी नाक इंदिरा जी से मिलती है और ट्वीट उमा भारती से। किशोर जी, 2020 कैसा बीता है, मैं मार्च से लेकर अभी बीता ही नहीं, बीत ही नहीं रहा। अब तक कैसा बीता है, मैं मार्च से लेके और आज तक की बात एक समेट के आपको एक कविता में सुनाता हूं कि इस कोरोना वायरस का क्या कहें, पता नहीं चीनियों ने किस जन्म का बदला लिया, अच्छी जिंदगी काम धंधा चल रहा था तभी एक बेवकूफ ने चमगादड़ खा लिया। तभी एक बेवकूफ ने चमगादड़ खा लिया, उसके बाद तो प्यार आदर सब दूर से ही जताना पड़ रहा है। हाँ। और वेद भैया, कर्म ऐसे चीनियों ने किए और मुंह सारी दुनिया को छुपाना पड़ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया। कर्म ऐसे चीनियों ने किए और मुंह सारी दुनिया को छुपाना पड़ रहा है, मुंह न ढको तो चालान कट रहे हैं, पुलिस भी मान नहीं रही है,
और आधा चेहरा देखने की ऐसी आदत पड़ी है कि सगी गर्लफ्रेंड भी बिना मास्क के पहचान नहीं रही है। और अनलॉक में भी कहीं एक दिन कहीं दो दिन का लॉकडाउन, इस बदलती व्यवस्था में इंसान कितना ढलेगा। और वेद भैया, सरकारें शायद ये मान के चल रही हैं कि सड़कों पे 5 दिन तो आदमी और शनिवार इतवार को कोरोना चलेगा। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। 5 दिन तो आदमी और शनिवार इतवार को कोरोना चलेगा। भीड़ में गलती से छींक दो तो लोग गुस्से से ताकने लगते हैं। और अगली पंक्ति पे विशेष ध्यान, भीड़ में गलती से छींक दो तो लोग गुस्से से ताकने लगते हैं और उंगलियों को अल्कोहल की लत अलग पड़ गई। एक दिन सैनिटाइजर न लगाऊं तो हाथ कांपने लगते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बढ़िया विनीत भाई, बहुत अच्छे। एक दिन सैनिटाइजर न लगाऊं तो हाथ कांपने लगते हैं। और सबसे बुरा हाल तो कवियों का है। सरकार कहती है लोकल के लिए वोकल बनो। भाई साहब, बिना ढक्कन के बोतल हुए पड़े हैं। हम तो नेशनली इंटरनेशनली वोकल थे। महीनों से घर में लोकल हुए पड़े महीनों से घर में लोकल हुए पड़े हैं। अब तो यही इच्छा है कि ये कोरोना जल्दी से दफा हो जाए। और भगवान से यही प्रार्थना है कि दुनिया में दोबारा फिर कभी कोई चमगादड़ नहीं खाए, फिर कभी कोई चमगादड़ नहीं खाए। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर जी, बहुत बढ़िया बढ़िया कविताएं इन्होंने सुनाई। लेकिन कविता में एक्सप्रेशन की हमेशा गुंजाइश होती है। जैसे आपने कौन सा गीत सुनाया था, वो नेता, एक बार देश का नेता, उसके बाद क्या किया था, आ कैसे किया था आ, अब ये गलत है। हमारे नेता के साथ ही आ नहीं चलेगा इतना सूर्य। चलिए, मेरे देश का नेता आ अरे बहुत अच्छे, इसमें ये चलेगा भाई, बहुत बढ़िया। तो अभी मैंने इमेजिनेशन किया कि दो डिबेट चल रहे हैं देश के अंदर, राम मंदिर का भी मैटर चल रहा है, इससे पहले CAA का भी चला। तो मेरे सपने में दो नेता आए, बहुत लंबी बहस थी, लेकिन मुझे क्योंकि सपना तो भूल जाता है ना आदमी, तो मुझे शुरू शुरू का याद है। एक तरफ ओवैसी जी बैठे थे, एक तरफ संबित पात्रा बैठे थे, दोनों की डिबेट हुई है और हकीकत में भी आपके चैनल पे आते ही हैं। इन दोनों की डिबेट हुई सर, बड़ी मजेदार डिबेट हुई। पहले ओवैसी जी ने बोलना शुरू किया, देखिए मैं कहना चाहता हूँ सरजमीन हिंदुस्तान पर कि हम कागज कभी नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, चाहे कुछ हो जाए कागज नहीं दिखाएंगे। इधर पात्र जी, आहा कागज नहीं दिखाएंगे, ऐसे गर्दन मत करो भैया, टोपी गिर जाएगी तुम्हारी, ऐसे मत करो, हम कुछ भी हो जाए कागज नहीं दिखाएंगे। जानते हैं कौन सा कागज कह रहे हैं किशोर जी, वह जो गुलाबी गुलाबी नोट होता है ना, वह भी कागज का होता है। इन्होंने बहुत सारा जमा किया हुआ है, वही कह रहे हैं कागज नहीं दिखाएंगे, पर मोदी जी छापा मार के ले आएंगे, समझ रहे हैं ना, कागज नहीं दिखाएंगे। राम मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ तो बहुत सारे नेता याद आए। आडवाणी जी भी मेरे सपने में आए, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा आडवाणी जी ने तो रथ यात्रा निकाली, सारा ये जो आंदोलन था बीजेपी का आडवाणी जी ने शुरू किया, तो मेरी आडवाणी जी से बात हुई। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा काम हुआ है, मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है, लेकिन एक काम और होना चाहिए। मैंने कहा जी POK वाला, नहीं नहीं एक काम बड़ा ज़रूरी है। मैंने कहा जी वो चाइना डोकलाम वाला, बहुत ज़रूरी है काम अगर मोदी जी कर दें। मैंने कहा जी कौन सा, वो सब चाइना पे POK छुड़ाना, चाइना पे क्या करना चाहते, नहीं नहीं मेरा मतलब राष्ट्रपति का चुनाव जल्दी करा दें थोड़ा। आज़ादी की लड़ाई में अपना महनीय योगदान देने वाले चंद्रशेखर आज़ाद जी पर एक छोटा सा गीत सुना देता हूँ। क्या जज्बा था उनका, कि न भूल सकोगे मैं सदा याद रहूंगा, न भूल सकोगे मैं सदा याद रहूंगा, आजाद था आजाद हूँ आजाद रहूंगा, ना भूल सकोगे मैं सदा याद रहूंगा, आजाद था आजाद हूँ आजाद रहूंगा, आजाद रहूंगा। इतिहास रचा जाऊंगा जब आएगी पारी, इतिहास रचा जाऊंगा जब आएगी बारी, बलिदान के मैदान में खेलूंगा वो पारी, बलिदान के मैदान में खेलूंगा वो पारी, ना बाद था ना बाद हूँ ना बाद रहूंगा,
आजाद था आजाद हूँ आजाद रहूंगा ना भूल सकोगे मैं सदा याद रहूंगा आजाद था आजाद हूँ आजाद रहूंगा। और क्या कामना कर सकता है, किस कामना के साथ हिंदुस्तान पर बलिदान देने वालों ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हिस्सा लिया और अपने प्राण आहुत किए। आखिरी पंक्तियां सुना करके समाप्त करता हूं, सुनिएगा। आजाद था आजाद हूँ आजाद रहूंगा हर बार अपने देश पर ही जान दूंगा मैं, हर बार अपने देश पर ही जान दूंगा मैं, हर बार ये भगवान से वरदान लूंगा मैं, हर बार मैं भगवान से वरदान लूंगा मैं, हर बार भारती की ही औलाद रहूंगा ना भूल सकोगे मैं सदा याद रहूंगा। आजाद था आजाद हूँ आजाद रहूंगा, आजाद था आजाद हूँ आजाद। तो इस तरह से अनलॉक हुआ है लपेटे में नेताजी। उम्मीद करेंगे कि और अनलॉक होगा, हम लोगों के बीच होंगे, लोग हमारे साथ होंगे और वही ठाके होंगे और बीच में होंगे नेताजी जिनको लपेटना है। तो मिलते हैं फिर इसी मंच पर इसी जगह आपके फेवरेट शो लपेटे में नेताजी के साथ।